इस मौसम में ठंडी का मज़ा लें। तो जो सबकी फेवरेट है रूह अफ़ज़ा, मैं आज उसी से आपको बताऊंगी। दो ड्रिंक्स, एक मैंने मिल्क शेक बनाया है और एक मैं शरबत बनाकर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने एक बड़ा चम्मच रूह अफ़ज़ा का ले लिया है, आप कोई भी रोज़ सिरप ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा शुगर डालूंगी इसमें, आप करीब 2 से 3 चम्मच शुगर लें। ऐसे शुगर सिरप बहुत ही मीठा होता है, लेकिन आइस डालने के बाद उसका मिठास थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से हम थोड़ा सा शुगर इसमें डालेंगे। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक चीनी घुल ना जाए। मैं इसे एक ग्लास में पोर कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क डालूंगी, आप फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी आइस। ये देखिए मैंने इसका ढक्कन को लगा दिया है, अब मैं इसे अच्छे से शेक करूंगी। मैंने मिल्क शेक को बहुत अच्छे से शेक कर लिया है, अब हम इसके ढक्कन को खोलेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी सब्जा सीड्स। मैंने थोड़ा सा सोक कर लिया जैसे पानी में करीब आधा घंटे के लिए, आप इसे इसमें डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए सब्जा सीड डालने से ये थोड़ी सी हेल्दी बन गई है, आप रमज़ान के समय से सहरी में भी ले सकते हैं या आप अफ्तार में भी यूज़ करें, ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। तो चलिए इसे चिल्ली सर्व करेंगे। और चलिए हम शरबत बनाते हैं रूह अफ़ज़ा का। तो मैंने एक बोल ले लिया है, अब इसमें मैं एक बड़े चम्मच रूह अफ़ज़ा का डालूंगी। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पुदीना के पत्ते हाथ से तोड़कर डालूंगी, हाथ से तोड़ने से फ्लेवर्स बहुत ज्यादा उभर के आते हैं। तो मैं इस तरह से क्रश करके डाल देती हूँ थोड़ा सा पुदीना के पत्ते। साथ में डालूंगी थोड़ा सा लेमन के वेजेस, आप इस तरह से काट के इसमें डाल दें और जिस स्पून से आप इसे मिक्स कर रहे हो उसे हल्का सा क्रश कर दें, इस तरह से दबा लें। और अब मैं इसमें थोड़ा सा लेमन के जूस डालूंगी, करीब 1 टीस्पून आप लेमन जूस डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने एक कप ले लिया है, मैं उसमें आइस कुछ डाल दूंगी, थोड़े से टुकड़े आप आइस के डाल दें। मैंने आइस के साथ थोड़ा सा शुगर भी यूज़ किया है, करीब 3 टेबलस्पून आप इसमें शुगर डाल दें। और अब मैंने जो रूह अफ़ज़ा का मिक्सचर बनाया है मैं इसमें ऐड कर देंगे। आपको अगर कम लगे तो आप शुगर सिरप थोड़ा और यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा हनी भी यूज़ करूँगी, मैंने 2 टेबलस्पून हनी यूज़ किया है इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, मैंने वाटर ऐड कर लिया, आप एक स्पून के मदद से इसे अच्छे सा स्टर दे दें। रूह अफ़ज़ा शरबत बिल्कुल तैयार है, आप चाहे तो इसमें सोडा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल वाटर भी, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है।